This session is being recorded, and this is my second lecture. But before I start my second lecture, I'm gonna explain you or let you know what assignments I gave you and how you can solve those assignments, how you can start working on those assignments. My first assignment is on pronunciation. सबसे पहला assignment है आपको अपने pronunciations को improve करना है. सर कैसे करें? आपको सीधा इन 3000 वर्ड्स पे जाना है. कैसे जाना है सर? आपके गूगल क्लासरूम में हर चीज अवेलेबल है. मैं आपके अगर आप लैपटॉप से यूज करते हैं तो देखें इस तरह से ये 8-9 डॉट्स होते हैं. इस पे क्लिक करें, यहाँ राइट साइड के ऊपर क्लासरूम है, क्लासरूम पे क्लिक किया. जैसे आप क्लासरूम पे क्लिक करेंगे आप गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे. गूगल क्लासरूम खुल जाओ बेटा. ये गूगल क्लासरूम में आप चले गए. अब आपको ये नजर आ रही होगी, ये 2 साल की वर्किंग है सर की, ये सारी क्लासेस है. आजकल हम सिर्फ अपने ये 3 गूगल क्लासरूम पे काम कर रहे हैं. स्पोकन इंग्लिश सारे लेक्चर्स आपको यहीं पे मिलते हैं. अब आपको यहाँ जाना है लेक्चर नंबर 1. IPA पे जाएंगे और जनाब ये रहा 3000 वर्ड्स, बस इस पे क्लिक करेंगे. I want you to verify. मैं चाहता हूं कि आप verify करें कि ये 3000 words के pronunciations आते हैं, इन 3000 words की spellings आती हैं, क्या ये पता है कि ये verb है, ये noun है, ये adjective है, ये pronoun है, क्या है ये? अगर तो आपने इसको verify कर लिया है, that's very good. अगर आपने verify नहीं किया है, don't you want to speak good English? फर्स्ट प्रायोरिटी है कम से कम प्रोनाउंसिएशन को वेरीफाई करें. 2 घंटे में यार हो जाएंगे 3000 वर्ड्स वेरीफाई. सर के 3 से 4 महीने लगे थे क्योंकि सर के पास यूट्यूब नहीं था. हमने एक एक वर्ड को लिख कर, सीडी होती थी पहले हमारे पास, कंप्यूटर था, सीडी थी, सीडी डालते थे उसमें पूरा इंस्टॉल होती थी वो डिक्शनरी, फिर एक एक वर्ड सुना. अब सुनो, सोचो 3000 वर्ड्स कितने दिनों महीनों में सुने होंगे आप. यू गाइस आर लकी, ठीक है ना. ये है पहला असाइनमेंट. अब चाहो अगर तुम्हारा शौक बहुत ज्यादा रखते हो लैंग्वेज लर्निंग का और तुम अपनी फ्लुएंसी और उसके साथ में तुम एक्सेंट पर भी काम करना चाह रहे हो, सो बेटा ये आपका और एक और असाइनमेंट है जो 3 मिनट का है. मैंने कहा था आप ये IPA साउंड्स होती है, इनको 5 मरतबा सुन लो. 5 मरतबा सुनने के बाद ये आंटी है एक और वेस्ट इंडीज से, 44 साउंड्स 44 फनीम्स, इनकी ये 5 मिनट का लेक्चर है, 8 मिनट हो गए. और उसके बाद शुरू कर देना ये 6 घंटे का प्रोनाउंसिएशन कोर्स. अगर तुम्हें अपना एक्सेंट बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है, इफ यू जस्ट वांट टू हैव फ्लुएंसी, लेकिन फ्लुएंसी में अगर तुम्हारे पास, मैं समझता हूँ कि यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग क्लियरली, द वर्ड्स आर नॉट क्रिस्टल क्लियर, पीपल विल नॉट अप्रिशिएट यू. सो आई जस्ट एडवाइस यू to improve your pronunciations, and for improving the pronunciation, IPA is the base. So ये IPA आप सीख रहे हैं, IPA ये कर लिया, thank you very much. इसमें कुछ lectures और पढ़े, सुनना चाहे सुन लीजिएगा, how to improve pronunciation. ये और ये एक test है, test जरूर दिया करें. ये lecture 1 में जाएंगे, introduction में यहाँ पे भी एक test है, फिर आप syntax में जाएंगे. आगे चलते हैं, वापस जाते हैं हम कहां पर, वापस जा रहे हैं हम अपने नोट्स पर. फिर सर ने आपको ये पहला असाइनमेंट समझ आ गया प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, फिर सर ने दूसरा असाइनमेंट दिया. हाँ बेटा बोले. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं इसको गूगल क्लासरूम में डाउनलोड किया, फिर मैंने जो आपने लिंक पे डाउनलोड, तो कुछ भी नहीं करना, जिंदगी भर आप ही के पास रहेगा. डाउनलोड क्यों कर रही हो बिना वजह? मोबाइल डेटा वो हो जाएगा अपना, मोबाइल की मेमोरी, गूगल क्लास, बड़ी बड़ी वीडियोस है, आप डाउनलोड ही नहीं कर सकती हो. नो सर, मैं ऐप की बात कर रही हूँ. गूगल क्लासरूम, आप क्लासरूम के नाम से होता है गूगल क्लासरूम, आप प्ले स्टोर से सर्च करें, प्ले स्टोर से सर्च करें क्लासरूम लिखे आ जाएगा गूगल क्लासरूम. मैंने उसका अकाउंट भी वो किया है, कर लिया है, वो लिंक पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जिस तरह आपका ये आता है तो इस तरह आगे नहीं आ रहा, तो मैंने आपसे पूछा भी था. अच्छा, मैं आपको एक और, मैं आपकी इसकी कुछ समझ नहीं आ रही बेटा. असल में जब आपने अपने मोबाइल फोन को जीमेल से कनेक्ट किया हुआ है? यस सर. अगर आपका मोबाइल फोन जीमेल से कनेक्ट होता है
तो आप बहुत आसानी से चले जाती है, मे भी आपको उसका भी एक मसला, वो भी मसला हल हो जाएगा। फिर मैं आपका मसला हल कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। ये उसके बाद आपके पास ये आते हैं, देखिए ये एक असाइनमेंट दिया था, मैंने कहा था कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली, तो जो है ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा, और अभी तक अगर किसी ने नहीं भेजा है तो वो भेज सकता है, और आई विल बी ग्लैड। और कहाँ भेजेंगे, मेरा पर्सनल नंबर तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें जिस पर मेरे असाइनमेंट्स आते हैं, 03170296209 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको ये असाइनमेंट भेजना है। लेकिन एक नसीहत भी मैंने की थी, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, अपने तलफ्फुज मत बनाइए। अच्छा अब ये देखें, मैं जो आप कह रही थी ना कि सर हम कैसे जाएं, तो ये मैं चला गया गूगल क्लासरूम में, देखिए मेरा मोबाइल आपके पास आ गया, ये रहा गूगल क्लासरूम। प्रोनाउंसिएशन लिख के भेजनी है या फिर आपको सुनानी लिखना है? नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, यू नीड टू रिकॉर्ड, यू नीड टू रिकॉर्ड, वो एक वॉइस नोट बनाइएगा और फिर भेजिएगा। अच्छा ये देखें, स्पोकन इंग्लिश में जब आप जाते हैं, या मैं राइट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ से अगर आपके पास ये साइन इन होना चाहिए, ऊपर देखिए मेरी एक तस्वीर नजर आ रही होगी, कई काफी अरसे पुरानी है, आप जो ना यहाँ से कनेक्ट होने चाहिए। अगर आप कनेक्टेड नहीं है, ऊपर देखिए मेरा जीमेल का अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है, आपका ये जीमेल से कनेक्ट होना चाहिए। जीमेल से कनेक्ट होगा तो बस आप यहाँ स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करें, क्लास वर्क पे क्लिक करें, ये देखें सारी चीजें आना शुरू हो गई। अब ये देखें मैं मोबाइल फोन से अभी आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, ये मोबाइल फोन आ गया, ठीक है ना, और मैंने कहा चले भाई जरा ये प्ले कर दें, मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे डायरेक्ट यूट्यूब पे ले जाएगा। शुरू, सही हो भाई? यस सर, यस नाउ सर, गॉट इट। अब इससे ज्यादा मैं आसान तरीका नहीं दे सकता। ये हम वापस आ गए, उसके बाद मेरा ये सेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया था, और जिस पर हमने बात की थी कि भाई सर वो कौन सी वजूहात है कि हमारी ग्रामर बहुत खराब है, हमारी स्पोकन बहुत खराब है, वी कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, वी कैन नॉट राइट गुड इंग्लिश, सर व्हाट आर द रीजंस। तो मैंने वो पर्दे हटा दिए थे और उसमें हमने सामने डिस्कवर कर लिया था कि वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस। हमारे आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस बहुत कमजोर है, हमें ये कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, कंजंक्शंस के बारे में किसी ने नहीं बताया, ऑक्सिलरी वर्ब्स आते नहीं है। अगले हफ्ते में आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, एक वैक्सीनेशन आपको आज दे रहा हूं, बल्कि दो वैक्सीनेशन दे रहा हूं, पिछली क्लास में दे दी थी, अभी तक किसी ने नहीं लगाई है, मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आए। आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस के लेक्चर्स को लाजमी सुनना है, क्यों, इस सेंटेंस में आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल देख लो, इस सेंटेंस में आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल देख लो, तुम्हारी गलतियां यही है, दैट्स वाई यू आर प्रेटी वीक इन इंग्लिश। तो उसके लिए सर ने आपको एक असाइनमेंट दिया था, जो अब आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ, कहाँ से मिलता है वो, आपके पास जितनी ये नोट्स एंड बुक्स है सब आपका है बेटा, इट्स दिस मटेरियल इज योर्स, मैं तो नया मटेरियल बना रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है ना। एस के एच प्रेपोजिशन, एस के एच आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन आर्टिकल्स वर्कशॉप, प्रेपोजिशन ये दोनों लेक्चर सुनने हैं, आर्टिकल का टेस्ट देना है, प्रेपोजिशन के नोट्स में ही इतनी एक्सरसाइजेज है कि उसके बाद आप कहेंगे हमें टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट आज फेल हो गए तो कल पास हो जाओगे। जितना ज्यादा आर्टिकल प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा प्रेपोजिशन अच्छे होंगे। एक्सरसाइजेस सॉल्व करके सिर्फ ये मत करना कि हाँ भाई हो गई सॉल्व, मेरा जवाब सही है, प्रेपोजिशंस को जहन में बिठाना, याद करना, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड किए ये प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स पर, इनका भरपूर फायदा उठाइए। ये आपका संडे तक का असाइनमेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, मैंने रिमाइंड करवा दिया है जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी सेंटेंस फॉर्मेशन पर, आपसे पूछा गया था कैन वी मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज फोर थिंग्स, तो जवाब आया था जी बिल्कुल बन सकता है, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, आपने कहा जी बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, क्या आप सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, तो आपने कहा जी बन सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज में हमने इजाफा कर दिया
और हमने बता दिया था आपको कि जी नहीं, ऑब्जेक्ट के बगैर, सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बनता है। हकीकत में सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू। याद आ रही है ये बातें? और उसके बाद फिर जो बात आके रुकी थी यहां से बात कंटिन्यू हो रही है आज, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? तो आप अगर स्क्रीन पर देखें अपनी गुनाहगार आंखों से तो आप देखें, अब आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल आ सकते हैं। और उन दो ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि अब यहां से पार्टी शुरू हो रही है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समथिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज एट द डोर, समबडी इज एट द डोर। Something is at the door or somebody is at the door. क्या कहेंगे? Somebody is at the door. आप ये नहीं कहेंगे सब, अच्छा आपके अलमारी के अंदर से, कबर्ड में से आवाजें आ रही है, somebody is in the cupboard या something is in the cupboard? Something is in the cupboard. हो सकता है कोई चूहा हुआ हो, बिल्ली हो, something is in the cupboard. तो समथिंग से मुराद कोई चीज है, कोई जानवर है। समबडी से मुराद कोई इंसान है। आई लाइक समबडी होगा या आई लाइक समथिंग होगा? आई लाइक समथिंग। क्यों? आई लाइक सारा नहीं हो सकता भाई, बेगम सुन ले वो अलग बात है। आई लाइक सारा नहीं हो सकता, आई लाइक चॉकलेट भी हो सकता है, आई लाइक सारा भी हो सकता है, आई लाइक समबडी भी हो सकता है, आई लाइक समथिंग भी हो सकता है। I teach somebody होगा या something होगा? Somebody. क्यों? Somebody. I teach English नहीं हो सकता? Both होगा sir. I teach English. Somebody है, something है? Something. और I teach सारा somebody. So I teach somebody, I teach something. Both are possible. अब आपको somebody और something में ज़हन clear हो गया। Something refers to any animal or anything, और somebody refers to any person. अच्छा अब एक बात और, क्या एक ही sentence में दो objects आ सकते हैं? तो आपने देखा बिल्कुल आ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल आ सकते हैं सर, मान ली हमने आपकी बात। और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें आज के सेशन में, ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी सारी डिस्कशन है, ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करूं तो ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को रिसीव करता है। अगर मैंने कहा I killed Sara. Receiver of an action कौन है? Somebody या something? I killed Sara. Somebody. अगर मैं ये कहूँ I sold a cell phone, I purchased a cell phone. So ये जो cell phone है ये क्या है? Somebody, something. यानी कि सर ने ये बात साबित कर दी कि somebody can be a receiver of an action, something can be a receiver of an action. Somebody भी action receive कर सकता है, something भी action receive कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये somebody something दोनों एक ही sentence में आ सकते हैं? देखिए, I ask a question, ये something है। I ask Ali, ये somebody है। क्या ऐसा हो सकता है? I ask something to somebody, हो रहा है, हो चुका है। अब इस फॉर्मूले को याद करें, जब something पहले आता है तो टू लगता है, जब something पहले आएगा तो preposition का इस्तेमाल करना पड़ेगा। I ask a question to Ali, अगर somebody को पहले ले आइए, I ask Ali a question। कौन सा सेंटेंस ज्यादा सुना है अपनी जिंदगी में?
I asked a question to Ali. टू का इस्तेमाल ज्यादा किया हम लोगों ने आई आस्क, लेकिन आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया. आई आस्क अली अ क्वेश्चन. आई गिव सादिया अ लेक्चर. आई गिव सादिया अ लेक्चर. लेक्चर को पहले ले आइए. लेक्चर को पहले ले आइए. आई गिव लेक्चर टू सादिया. आई गिव अ लेक्चर टू सादिया. आ गई बात समझ. ठीक है बेटा, एक सवाल एक स्टूडेंट का आ रहा है. सवाल सुनना. सर आपने देखिए ऊपर चले. सर पहले आपने कहा कि एक सेंटेंस में चार चीजें आती है, हमने मान ली. फिर आपने एडवर्ब उड़ा दिया, चले मान लिया. फिर सर आप फैल गए, आपने ऑब्जेक्ट भी उड़ा दिया, चले मान लिया आपकी बात. फिर आप दो ऑब्जेक्ट्स लेकर आ गए. सर हद हो गई. मतलब कभी ऑब्जेक्ट आप एक ला रहे हैं, कभी दो ला रहे हैं, कभी आप ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना रहे हैं. सर मेरा आपसे एक सवाल है, इसके पीछे हाथ किसका है, आपका या कोई और फैसला करता है कि इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आएगा, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता. बहुत अच्छा सवाल किया है इस बच्चे ने. जबरदस्त बेटा, बैठिए मैं जवाब देता हूं. ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ऑब्जेक्ट के पीछे बताओ कौन होता है, खुद बताओ. सोचो वर्ब की सेंटेंस की फॉर्मेशन. ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है, ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है सर, हसीब या वर्ब? ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है और ये वर्ब फैसला करता है. आपको नहीं पता ये कितना, मतलब मैं क्या बोलूं उसको. अगर आपने वर्ब को स्टडी कर लिया, जो मैं नेक्स्ट वीक से पढ़ाना शुरू करूंगा, नेक्स्ट वीक के दो सेशंस तबाही होंगे, तबाही. वर्ब के ऊपर मेरी बात शुरू होगी, वहीं से आग लगेगी, वहीं से चिंगारी पकड़नी है आपको. अभी तो सिर्फ जनरल नॉलेज की बातें चल रही है, ठीक है ना. मतलब होता है ना, आप जब एक घर बना रहे होते तो खुदाई चल रही होती है. आप कहते पता नहीं कैसा घर बनेगा, तो अभी तो खुदाई चल रही है. अभी तो आपका जो जहाज है जिसको लंदन की फ्लाइट पकड़नी है, अभी तो मुसाफिर आ रहे हैं, अभी तो बोर्डिंग पास भी इशू नहीं किए मैंने. बहुत सारे लोग बगैर टिकट के अभी बैठे हुए, तो अभी इसलिए उनका बोर्डिंग पास नहीं मिला है उनको. बोर्डिंग पास टिकट जमा कर लेंगे, बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर जहाज में बैठेंगे. अगले हफ्ते इस फ्राइडे को हमारी बोर्डिंग बंद हो जाएगी, फ्राइडे को, क्योंकि मेरा किड्स क्लब का मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माय अनदर प्रोजेक्ट. तो मैं लैंग्वेज के प्रोजेक्ट से शिफ्ट हो जाऊंगा किड्स क्लब की तरफ, मेरी तवज्जा हो जाएगी, जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव तवज्जा होती है, पढ़ाने की तो आपकी तरफ रहेगी क्लास में. But admission process in my spoken English classes will close on Friday, right? So, वो students जिन्होंने fees submit करा दी है, वो अपना runway पे आके boarding मिल जाएगी, जहाज में बिठा देंगे. और अगले हफ्ते इंशाल्लाह most probably Friday तक आपकी flight take off कर जाएगी London के लिए, और फिर आप लोग London airport पे उतरेंगे 3 महीने बाद. 3 महीने की flight है ना, 3 महीने बाद सब अंग्रेज के बच्चे होंगे 3 महीने के बाद, ठीक है ना. दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर मिशन. एक देखो, इंसान अगर एक फैसला कर ले मुझे ये करना है, तो अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है वो सब कुछ कर सकता है. मैंने फैसला कर लिया था मैंने ऑनलाइन पढ़ाना है, और मैंने अपनी अकेडमी को ऑनलाइन ही करना है. तो मैंने फैसला किया, अल्लाह पाक ने उसमें बरकत दी. अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों को ग्रो कर रहा हूँ. पहले मैं स्पोकन और ग्रामर क्लास लेता था, फिर हमारे पास डिस्कशन सेशंस भी आ गए. अब हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है, कॉन्वर्सेशन हॉल. आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाई है, इसी एक दो हफ्ते हुए मुझे. कॉन्वर्सेशन हॉल की बुनियाद डाल दी है. आप देखिएगा 6 महीने बाद आप देखिएगा कॉन्वर्सेशन हॉल के हालात. तो नियत करें आप लोग के नहीं सर इंशाल्लाह वी विल लर्न. And in 3 months, this course will become your lifelong skill, and this skill will turn into your livelihood. ये skill आपका जिंदगी भर का एक skill बन जाएगा.
और यही स्किल आपका रोजी रोटी का भी कमाने का जरिया बन जाएगा, रोजी रोटी लाइवलीहुड. एंड यू विल स्टार्ट आफ्टर 6 months यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. फॉलो बी, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते तो कामयाब लोगों के नक्शे कदम पे चले. हाउ दे टीच, हाउ दे डिलीवर एवरीथिंग. मैंने आपको ये गूगल क्लासरूम की एक्सेस दे दी है, लोग कहते हैं सब कुछ तो दे दिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है ये नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल बाद यही नोट्स होंगे? नए नोट्स पे काम आजकल कर रहा हूँ. आफ्टर 6 months आई विल पब्लिश माई न्यू अपडेटेड नोट्स टू. अब वो किस उसमें इतनी वो ने ज्यादा अपडेटेड होंगे, पीपल विल बी सर ये हमें दे दें, ठीक वो भी दे देंगे, हमारी नॉलेज इज टू शेयर, राइट? सो आई कीप अपडेटिंग माई सेल्फ. याद रखें अ की टू सक्सेस, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ. इफ यू स्टॉप अपडेटिंग, इफ यू थिंक नाउ यू हैव लर्न एवरीथिंग, यू आर डन, थैंक यू, योर डाउनफॉल विल स्टार्ट. So keep updating yourself, keep promoting yourself. Yes, Mavish, you have a question. Yes, sir. I have 2 questions. First, yes. Sir, मुझे please ये बताएं BFV form क्या है? Means के before. BFT का मतलब होता है verb की first form. Verb की first form. ये आप लोगों ने असल में आपने forms of verbs के नाम नहीं पढ़े. Forms of verbs हमने पढ़ी है first form, second form, third form. इसके नाम okay. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पीटी पीपी, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल. दूसरा सवाल सर, दूसरा मुझे ये सवाल करना था कि एक जो आप सुबह 10 से लेके 11 बजे तक क्लास देते हैं और फिर 3 से 4, तो सर इसमें सेम लेक्चर होता है? क्योंकि सुबह 10 से 11 वाला जो लेक्चर है वो मेरा मिस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम मैं अपने लेक्चर होता है रात 8 से 9, सुबह 10 से 11, 3 से 4, रात 8 से 9, तीनों लेक्चर सेम होते हैं. ओके थैंक यू सर, क्योंकि मेरा सुबह 10 से 11 वाला मिस हो जाता है. मेरे पास भी पॉसिबिलिटी होती है कि कभी अगर मुझे कहीं, वैसे तो मैं कहीं नहीं जाता, बट समटाइम्स आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, सो मैं कह देता हूँ कि भाई एक दिन पहले बता देता हूँ, टुमारो आई विल नॉट कंडक्ट बाय 3 to 4, सो प्लीज मैनेज योर लाइव सेशन ऑफ ग्रामर क्लास इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock और इन द इवनिंग एट 8 o'clock. तो आप भी जहनी तौर पर तैयार हो जाते हैं. ऐसा नहीं होगा अचानक से मैसेज आया मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ. नो, आई विल अपडेट यू 24 hours बिफोर, राइट? I always update myself that if I have any piece of work, right? चल बेटा आगे चलते हैं. Thank you, sir. सवाल बच्चे का आपको याद होगा. Object एक आता है, कभी दो आते, कभी नहीं आते. Sir इसके पीछे हाथ किसका है? तो इसके पीछे हाथ है verb का. और उस verb का नाम याद कर ले. Transitive verb versus intransitive verb. Transitive verb versus intransitive verb. आसान जबान में बता रहा हूं, याद रहेगा. Transitive verbs वो verbs होते हैं, जो अपने बाद object ले सकते हैं, object लेते हैं. Intransitive verbs वो verbs होते हैं जो अपने बाद object नहीं लेते. अच्छा सर ये बात बताइए, ये तो चले बात समझ आ गई, ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं लेते. अब एक ऑब्जेक्ट लेंगे या दो ऑब्जेक्ट लेंगे ये कौन बताएगा? ये बेटा कुछ बात, हर कोई हर बात आपको कोई आकर बताएगा नहीं, आपको कुछ बातों को याद करना पड़ेगा. हमने इन बातों को याद किया हुआ है, हम याद करते हैं आज भी. जब हम एक किसी वर्ब को स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. हम ये भी देखते हैं कि ये प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है. आगे चल फिर हम उस वर्ब की फॉर्म्स को भी स्टडी करते हैं, हम उस वर्ब के प्रोनाउंसिएशंस को भी देखते हैं, हम उस वर्ब की मीनिंग्स को भी देखते हैं. बहुत सारे एस्पेक्ट से हमें वर्ब को स्टडी करना पड़ता है, समझ रहे बात? फिर उसके बाद अब यहां पर वर्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएगा. जी बेटा
ट्रांजिटिव वर्ब की कोई डेफिनेशन? जी, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट्स. वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब. सिंपल डेफिनेशन. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स देर इज नो ऑब्जेक्ट. तो फिर क्या होता है सर, नथिंग इज देयर. और इसके अलावा वर्ब इट इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव, इट इज फॉलोड बाय प्रपोजिशन, और इट इज फॉलोड बाय एन एडवर्ब. ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो फिर क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, वर्ब खाली. या फिर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, प्रपोजिशन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है. अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट? तो सर ने बता दिया कि हमें याद करना पड़ता है कि इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये वर्ब अपने पास बाद दो ऑब्जेक्ट्स ले सकता है. इसकी बाकायदा लिस्ट अवेलेबल है. सर क्या आप हमें देना, इनायत करना बेहतर समझेंगे? क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर आ जाएगी, ठीक है? ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, सर उनकी कोई लिस्ट अगर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, सर आपको दे देंगे. ठीक है भाई, आगे बात समझ. अब एक बात और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक लिस्ट देने वाला हूँ. चले, अभी वो आगे आएगी, फिर मैं आपको, आपसे एक बात और ऐड कर दूंगा. जो मैं लिस्ट दूंगा उसमें एक चीज और ऐड होगी. अच्छा, आखिरी सवाल है, फिर आगे जा रहा हूँ. क्या इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बन सकता है? याद करो, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बन सकता है. बताओ, पैसिव में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे? सबसे पहला काम पैसिव में क्या होता था? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. हाँ, वेरी गुड. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे. लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब का जब कोई सेंटेंस होगा उसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा. जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बताओ क्या पैसिव बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा. When there is no object, when there is no object, there is no passive. Intransitive verbs, not passive, not possible with intransitive verb because there is no object. अब किसी से अगर आप पूछे I go to school every day, इसमें object क्या है, तो वो हर कोई जवाब देगा school object है. सर ने आपको एक छोटी सी बात बता दी, याद रखिए, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, ये रहा वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद ये स्कूल कॉम्प्लीमेंट है, एवरीडे आज ही बता दिया एडवर्ब है. ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड एडजेक्टिव आ गया. ही ड्राइव्स स्लोली एडवर्ब आ गया. बात खत्म. पैसा हजम, ये कुछ आपके लिए मटेरियल है, सेल्फ स्टडी के लिए होती है, सीधे आप पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा. ये एक लिस्ट भी आपको मैंने फॉरवर्ड की हुई है, इसको भी देख लीजिएगा. अब आइए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट बहुत आसान है, ये आपको परेशान नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन. खत्म. ऑब्जेक्ट परेशान करेगा. मैं अभी, मैंने कहा था भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बात बाकी है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन. ही राइट्स अ लेटर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपको मैंने ये बताई है, वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है कि ऑब्जेक्ट कहां पर आता है? जस्ट आफ्टर अ वर्ब. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब. बस इस बात को जहन में बिठा लीजिए, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन. अब लिखा हुआ ही राइट्स अ लेटर, इसमें आसानी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सर
सो दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट. चलिए दूसरे सेंटेंस में आप लोग बता दीजिए. आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी. आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी. बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. सारा मी अ कप ऑफ टी. माशाल्लाह किसी ने, तीनों वोट आ गए मेरे पास. किसी ने कहा बी, किसी ने कहा अ कप ऑफ टी और किसी ने कहा सारा. मैं आपसे अब एक और सवाल पूछता हूँ. बताइए इसमें वर्ब क्या है. आस्क. इसमें वर्ब क्या है. मेक. टू मेक. टू मेक. अस्तग़फ़िरुल्लाह. जब तक आप वर्ब आइडेंटिफाई नहीं करेंगी आप कभी भी सही ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंचेंगी. सब्जेक्ट के बाद क्या आता है. वर्ब. आस्क. सॉरी सर. आस्क. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो वर्ब के फौरन बाद संडे देखें जस्ट आफ्टर अ वर्ब. तो जस्ट आफ्टर अ वर्ब जब कह दिया है सर ने कि आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, दैट्स ऑल. बात खत्म हो गई. ठीक है. आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी. तो यू सारा इज एन ऑब्जेक्ट. किचन में कौन जाती है. चाय कौन बनाती है. मैंने सारा से चाय बनाने के लिए कहता हूं. किचन में कौन जाती है. सारा. चाय कौन बनाती है. सारा. मुंह किसका बनता है. सारा. हाथ किसका जलता है. सारा. रिसीवर और कनेक्शन कौन हो गई. सारा. ठीक है. आई विल मेक अ कप ऑफ ही टोल्ड मी. इसमें ऑब्वियसली मी आपका ऑब्जेक्ट है. अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. यू. किसी ने कहा यू. वर्क क्या है. अ कप ऑफ टी सर. मेक अ कप ऑफ टी. क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं. अपनी प्रीवियस नॉलेज को खना लिए. आज की ही सेशन में मैंने आपको एक बात बताई. क्या एक क्या एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं. यस सर. अच्छा नंबर सिक्स देखिए. इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है. इंग्लिश. इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट. इंग्लिश कौन पढ़ती है. बोलना किसको आ रहा है. नॉलेज किसको मिल रही है. सारा ऑब्जेक्ट. तो लेकिन सर आपके रूल्स के मुताबिक तो ये है ऑब्जेक्ट. तो क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं. एक सेंटेंस. यस सर. आज ही बताया ना आपके. आज ही आप लोग अपडेट किया है. यस सर. वी कैन यूज टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस. बिल्कुल कर सकते हैं. और देखो समथिंग टू समबडी और समथिंग फॉर समबडी. अभी तक सर ने आपसे टू डिस्कस किया था. अब आपकी जिंदगी में और कौन आ गया. टू के बाद कौन आ गया. फोर. फोर. अब एक नया सवाल दिमाग में उठ रहा है. एक नया सवाल दिमाग में उठ रहा है. पूछो क्या सवाल. पूछो. क्या सर. नहीं उठ रहा सवाल. सवाल पूछो. सारे सवाल वही बच्चा पूछता रहेगा. एक आप लोग भी कोई सवाल पूछ लें. पूछे सवाल क्या दिमाग में उठ रहा है. कप ऑफ टी क्या होगा. अस्तग़फ़िरुल्लाह. सर ये टू कब आएगा और ये फोर कब आएगा. हमें कैसे पता चलेगा यहाँ टू आएगा. मैं बताऊं. जी सर बताइए. जैसे सर ये है ना. आई विल मेक अ कप of tea for you. हाँ. जब मेरे आगे किसी का नाम नहीं होगा और जो सब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट यू में किया जाएगा या ही और शी में तो देन फोर यूज होगा. और जब किसी का सब्जेक्ट का नेम अवेलेबल होगा तो टू होगा.
अच्छा, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू गलत है. आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर सारा गलत हो गया. नो सर, बिल्कुल सही है. मैं ये तो नहीं कहूंगा ना आई विल मेक अ कप ऑफ टी टू सारा. लॉजिक गलत हो गई बेटा. आसान सी बात है ये. आपको कौन बताएगा, ये वर्ब बताएगा कि मैं अपने बाद टू को लूंगा या फोर को लूंगा. और ये बात आपको याद करनी पड़ेगी जो पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड करूंगा और गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगी कि टू कब लगता है और फोर कब लगता है. ये याद करने वाली बात है, समझने वाली बात नहीं है. बस ये बात आज आपको मैंने बता दी कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते. अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो समथिंग टू समबडी और समथिंग फॉर समबडी. अब ये टू कब आएगा फॉर कब आएगा इसका फैसला हमारी नॉलेज करेगी जो हमें याद करना पड़ेगा. आ गई बात समझ. अब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेगी कि ऑब्जेक्ट वर्ब के फौरन बाद होता है और कभी कभार दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और ये जो नंबर फोर सेंटेंस लिखा है क्या इसको किसी और स्टाइल से लिखा जा सकता है. अगर मैं समबडी को पहले ले आऊं तो बताओ जुमला क्या बनेगा. अगर समबडी पहले आ जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा. आई विल मेक फॉर यू अ कप ऑफ टी. यू को पहले ले आइए. आई विल मेक फॉर यू अ कप ऑफ टी. अच्छा, नंबर सिक्स में सारा को पहले लेकर आइएगा. I'm teaching Sarah. I'm teaching English to you. लेकर आइए. बेटा जब somebody को पहले लाओगे तो ये preposition उड़ जाएगा ना. प्रेपोजिशन को उड़ा दो. I am teaching Sarah English. और जब ऊपर वाला बनाओगे I will make you a cup of tea. सर ये तो मतलब ऐसा लग रहा है I will make you a cup of tea. क्या 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 लग रहा है. I will make you a cup of tea. मैं तुमको चाय का चाय की प्याली बना दूंगा. वो आपको लग रहा होगा लेकिन मैंने आपको इसका सही मतलब बता उसका मतलब भी वही है. मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगा. आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी. आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. बोथ हैव सेम मीनिंग्स. ठीक है बेटा चले अब आ जाइए सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं. मुझे जनरल नॉलेज की मैं कुछ बातें पूछ रहा हूँ जो तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी पता होंगी. बताइए फर्स्ट पर्सन क्या होता है. बताइए फर्स्ट पर्सन क्या होता है. सर जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन जो बात जो बोल रहा है पर्सन हु स्पीक्स. A person who speaks, जो बोलता है जो बात कर को शुरू करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. ठीक है मान ली आपकी बात. बताइए सेकंड पर्सन कौन होता है. जिससे हम बात कर रहे हो. अब जिससे हम बात कर रहे होते हो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इधर आओ. यू कम हियर. जिससे आप बात कर रहे हैं वो कोई एक से ज्यादा भी हो सकता है. आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं भाई. व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज. आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा. जबी सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू और सेकंड पर्सन प्लोरल भी यू. लेकिन जब आप बात करने वाला एक होता है तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. अगर बात करने वाले ज्यादा हो गए तो फर्स्ट पर्सन प्लोरल वी. थर्ड पर्सन कौन होता है. जिसके बारे में हम बात कर रहे हो. जिसके बारे में हम बात कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर. अच्छा उस वो हाजिर होता है या गायब होता है. गायब होता है.
वो हाजिर होता है या गायब होता है ये भी बता दे। ये हाजिर और गायब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई थर्ड पर्सन में, ये बात दिमाग में बिठा ले। ये हमारे स्कूल लाइफ में बिठाया गया है कि वो गायब होता है। भाई मैं बात कर रहा हूँ मैविस से और बात कर रहा हूँ मरियम के बारे में। मैविस से मैंने कहा, मैविस डू यू नो मरियम, मैविस डू यू नो मरियम, मरियम पीछे ही खड़ी है। अब उन्होंने एकदम से हमें देखा, सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। डू यू नो मरियम, शी इज माई स्टूडेंट, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो तो आपके साथ आमने सामने आगे पीछे खड़ा हुआ है, तो ये बात कह देना, ये बात कह देना कि वो गायब होता है तो दिस इज नॉट रियली ट्रू, ठीक है ना। अगर आप ये कह दें बट सर, जी बेटा, सम टाइम अगर वो पर्सन वहां पे ना हो भी आप उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट गलत दे दिया है हमें कि वो वहां पर हो या ना हो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जिसके बारे में बात हो रही है, अब वो कहीं भी हो, सामने हो, आगे हो, पीछे हो, गायब हो, हाजिर हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं सर एक एग्जांपल दूं, जिस तरह हम अगर किसी जगह के बारे में या किसी जानवर के बारे में कर रहे हैं, अब वो तो हमें सुन नहीं रहा, ऐसे भी हो सकता है शायद हम उस जगह पे खड़े हो के मैं किसी दूसरे बंदे से उसके बारे में बात कर रही हूँ, या अगर मैं अभी उधर नहीं पहुंची तो मैं उसके बारे में बात। सवाल ये है कि थर्ड पर्सन गायब होता है क्या? लोग कहते हैं थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो और जो सामने ना हो, क्या ये बात दुरुस्त है? इट इज ट्रू और फॉल्स? नो सर, नो सर, दिस इज नॉट राइट। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है ना जो हमें दिया गया है स्कूल से, गायब होता है। अब वो गायब हो या हाजिर हो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है बेटा। चले आगे, इजाजत है, बताइए जनरल नॉलेज 5 मिनट और क्लास लूंगा, फिर आप लोग अपनी डिस्कशन क्लास के ज्वाइन कीजिए। नाउन, व्हाट इज नाउन? What is noun? Name of anything. Name of a person, place. Name of a person, place, or anything. Name of a person, place, animal, or thing. बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं आप लोग. Noun is the name of a person, place, animal, or thing. बताइए pronoun क्या होता है? What is pronoun? जो नाम की जगह पे यूज किया जाता है। आदि, हमारी आदि हमें पता है। Pronoun, we use pronoun in place of a noun. We use pronoun in place of a noun. ये बात भी हमको अधूरी पता है। अब मैं आपसे अगर एक सवाल कर लूं, why? Why do we use pronoun in place of a noun? Why do we? शायद जब हमें नाम पता नहीं होता, क्योंकि सर बार बार हाँ नाम यूज नहीं करें ना हम, फिर पक जाएंगे। जो सर अगर आपने एक नाउन का इस्तेमाल बार बार किया तो जुमला बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभार तवील भी हो सकता है अगर नाउन बहुत सारे, अगर बहुत 4-10 नेम्स अगेन एंड अगेन इन द सेम, अगर 10 लड़कों के नाम हैं और वो बार बार आने हैं, तो अब अगर हमने वो 10 लड़कों के नाम एक दफा ले लिए तो दोबारा तो नहीं ले सकते, तो फिर हम उसकी जगह पर प्रोनाउन को लेकर आते हैं। We use pronoun in place of a noun to improve the sound of a sentence. ये पूरी definition है। We use pronoun in place of a noun to improve the sound of a sentence. अब मेरे आपसे एक सवाल है, अगर आप noun की जगह पर pronoun इस्तेमाल करते हैं तो बताइए अली का pronoun क्या होगा? He. He. मोबाइल का pronoun क्या होगा? It. अच्छा, अगर मोबाइल की जगह पर मैं मोबाइल्स कर दूं, मोबाइल की जगह पर मैं मोबाइल्स, मोबाइल्स बहुत सारे, दे मोबाइल्स, तो फिर अब इट होगा या दे हो जाएगा? दे 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 सर, दे। चले, मुझे जरा मदद कीजिएगा मेरी, मैं क्या जवाब लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा।
दिस शर्ट बिलोंग्स टू अली, कैन यू गिव डैश टू डैश? Can you give it to him? Can you give dash to dash? Can you give it to him? Very good. Him. I have lost my keys. Have you seen it? Have you seen there? Have you seen there? Have you seen there? यहाँ पर बहुत सारी प्लूरल है, तो इसका प्लूरल यहाँ पर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट. हैव यू सीन देम? वेयर आर माय ग्लासेस? क्या लिखूं? वेयर आर माय ग्लासेस? इट मस्ट बी ऑन द टेबल. या दे लिखूं? दे. It must be on the table. बेटा प्लूरल है ना, एक ग्लास थोड़ी भी है, ग्लासेस है. तो they must be on the table. They must be on the table. Somebody has stolen my shoes. I put dash outside. I put them outside. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास रात तक का टाइम है. इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे और इसी के दरमियान में जवाब स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसमें एडिट करके आप मुझे असाइनमेंट के तौर पर मेरे नंबर पे भेजेंगे 03170296209 पर. जवाब रात का सूरज डूबने से पहले और रात सोने से पहले इस नंबर में जवाब भेज दीजिएगा. सर अगले सेशन में आप क्या करवाएंगे? अगला सेशन ये आपके लिए कुछ बेटा सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, कुछ हमारे करीब. और सर आपने क्या कहा शाम को क्या दिया? ये बेटा सॉरी है, सॉरी थे, ये जो नंबर 5 है इसका आपको जवाब लिख के इस नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे 03170296209. अच्छा, और उसके बाद ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, इसके आंसर्स नीचे अवेलेबल होते हैं. पहले सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर्स चेक कीजिएगा. ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और जबरदस्त हो जाएगा. अगले सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब. ये अगले सेशन का टॉपिक है, डोंट मिस इट. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन. प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन सेशन.